स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, तीरंदाज से मैं अभय तिवारी। हम आज खड़े हुए हैं बलौदा बाजार के उसी दशहरा मैदान पर जो 10 जून की घटना के बाद से पूरे प्रदेश भर में जहाँ जाता है, पर आज यहाँ पर कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का। आप जैसे हमारे पीछे देख सकते हैं लोकार्पण का जो कार्यक्रम है आज यहाँ पर होने वाला है। 60 करोड़ 20 लाख रुपए की अलग अलग लोकार्पण यहाँ पर होने वाला है। भूमि पूजन का यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करने वाले हैं। मंच भी सजा हुआ है। प्रदेश में भाजपा की शासन आने के बाद ये बलौदा बाजार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पहला दौरा है और 10 जून की घटना के बाद ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मंच से बलौदा बाजार के लोगों को संदेश मुख्यमंत्री देंगे और प्रेस के लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब किस प्रकार मुख्यमंत्री और उनके मंत्री जो यहाँ के विधायक भी हैं टंगराम वर्मा वो देते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की, संत कबीर साहेब की, संत कबीर साहेब की मावली माता की, मावली माता की आज बलौदा बाजार के एक पवित्र भूमि में आयोजित आज के दीपावली मिलन समारोह और विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान आपन के इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो हमेशा प्रदेश के साथ साथ अपन विधानसभा क्षेत्र के विकास के चिंता करत रहते, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व और खेल मंत्री श्री टंगराम वर्मा जी, हमारे सरकार के उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, आप उनके क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमती कमलेश दांगड़े जी, आरन के हमर विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी, आप उनके जिला के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सलम दांगड़े जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और महिला आयोग के सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, हमारे प्रदेश के हीरो श्री राजेश अवस्थी जी, पूर्व विधायक श्रीमती लक्ष्मी बघेल जी, हमारे अध्यक्ष श्री चितावर जायसवाल जी, जनपद अध्यक्ष श्रीमती सुमन वर्मा जी, राकेश तिवारी जी, अनिल अग्रवाल जी, कृष्णा अवस्थी जी, विजय केसरवानी जी, मंच में विराजमान सबो हमारे नेता मन और हमारे जिला के सामान्य कलेक्टर SP सभी अधिकारीगण और आज के ये कार्यक्रम में उपस्थित जिला भर से आए हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहन मन, सज्जन बिन मातृशक्ति, युवा साथी भाई मन और मीडिया के मित्रगण, सबसे पहले आप मतलब मैं दीपावली के बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। छठ पूजा भी चलत है, छठ पूजा के भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना। और हमारा अभी छत्तीसगढ़ निर्माण के 24 साल पूरा हुई से अभी हम 3 दिन तक स्थापना दिवस मनाए हैं रायपुर में और हर जिला में 1 दिन स्थापना दिवस मनाए हैं। तो स्थापना दिवस के भी राजोत्सव के भी आप उनके बहुत बहुत बधाई।
हमारे राजस्व में कार्यक्रम के शुभारंभ करे पर हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आए रहे और समापन में हमारे देश के सम्माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी आए रहे और बड़ा अच्छा से हम राज उत्सव भी मनाए हैं। आज के कार्यक्रम कल होना रही से और भारी उत्साह है। मैं हेलीपैड से यहां आते आते देखने की बीच बीच में कई जगह हमारे लीग पार्टी के सगीत पार्टी के हमारे भाई बहनी मन अपन जगह जगह में स्वागत कल उमन के राजकीय सम्मान के साथ विदाई करते हुए उमन के शरीर ला एम्स के दान भी दिए गए। ऐसे महान गृहस्थ के संत श्री गोपाल व्यास जी जरा सब प्रेम से सिरू भैया कहत रहे ने उमन के निधन होगी जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़े क्षति। आज की इस अवसर में मैं आप सबके तरफ से उनके विनम्र और यहाँ कृषि के क्षेत्र भी और किसान भी बहुत मेहनत कर अपन अच्छे से खेती करते हो इस तरह से बड़ौदा बाजार जिला हर दृष्टिकोण से बहुत समृद्ध है संपन्न है। इला हम और आगे बढ़ाओ हमारे उद्योग मंत्री यहाँ बैठी में है आदरणीय लखन देवानंद जी अभी नया उद्योग नीति हमारे प्रदेश में लागू करी है उसमें कई अच्छा अच्छा नीति है। ये जिला में और औद्योगिकरण विकास के लिए हमारे नया उद्योग नीति बहुत ही सहायक हुई। हमारे उद्योग के क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम ये लागू करे हैं तो इस तरह से हर क्षेत्र में विकास के हमारे सरकार प्रतिबद्ध है और आज 10 महीना में हमारी सरकार मोदी के गारंटी पूरा करे के क्षेत्र में जो काम करी से होला आज मैं बताए पर नहीं आया हूँ। आप मन सब ला जाना था कि हम जो वादा हमारे मोदी जी करे रही वो सबला पूरा कर था चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दे हम और 8,46,000 मकान के स्वीकृति केंद्र भी दे दी से जेकर तहत आज ये स्वीकृति हो थे। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद थन 3100 रुपया धान के दाम दे थन 2 साल के बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया हो देने के काम करें। आज हमारे महतारी मल्ला महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज्यादा माता बहनी मल्ला हर महीना 1,000 रुपया देने के काम करत हन। हर महीना पहले सप्ताह में ही उनके खाता में चले जाते और चूंकि इस महीना दिवाली रही तो नवंबर के पैसा भी हम अक्टूबर में ही देने के काम करे हैं। रामलला दस्तक योजना चलत है हमारे प्रदेश के राम भक्त मन आज सरकारी खर्चे में सुविधा के साथ भगवान राम के दर्शन करके आते तो इस तरह से सारा विकास के काम हम करत हन और मोदी के गारंटी में जो भी वादा है वो सबला पूरा करवो। अभी 14 तारीख से धान खरीदी भी हम शुरू करत हन और बड़ा अच्छा व्यवस्था बनाए हन धान खरीदी के किसान मतलब कोई तरह से भी तकलीफ धान बेचे में नहीं हुई। एक हमारे सरकार वचनबद्ध है क्योंकि आज ये समय मतलब काट के अर्जित इसलिए ज्यादा समय भी नहीं है और मैं तो आप के बीच में जब जब आप बोला था तो आते रहता हूं। आज आप के जो लोकप्रिय विधायक हैं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री हैं मैं जैसे कहे कि हमेशा प्रदेश के भी चिंता करते हैं। उनके पास में राजस्व विभाग है खेलकूद है तो नया नया काम अपन करते रहते हैं। आप के विधानसभा के भी चिंता करत रहते तो मांग तो बहुत है और जो भी मांग है क्षेत्र के वाला आने वाला समय में हम पूरा करवो। अभी और 4 साल बाकी है
लेकिन आज दो ठंड की मांग है तो बीएड कॉलेज यहाँ खोला जाए तो कर मैं घोषणा कर रहा हूँ। आप जैसे बड़ौदा बाजार में बीएड कॉलेज की शुभारंभ हुई और ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाए कर भी मांग हुई से तो मैं ट्रांसपोर्ट नगर बनाए के लिए मैं घोषणा कर रहा हूँ। और आप सबला मैं फिर से एक बार दीपावली के छठ पूजा के राज स्थापना दिवस के बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए और आग्रह करते हुए कि आज हमारे सरकार तेजी से विकास कर रहे थे लेकिन कुछ व्यक्ति बोला ये विकास अच्छा नहीं लगा थे इसीलिए हमारे बीच में वो मतभेद पैदा करने के प्रयास करते। धन्यवाद आप सभी लोगों को सभी पत्रकार बंधुओं को भी दीपावली छठ पूजा राज्य स्थापना दिवस सबकी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और आज हमारा सौभाग्य था कि बलौदा बाजार की पावन भूमि में आज यहां पर दीपावली मिलन कार्यक्रम और 60 करोड़ से ज़्यादा के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया था। मैं पूरे जिला वासियों के लिए इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। आज 2100 प्रधानमंत्री आवास की नई स्वीकृति मिली है उसका भी भूमि पूजन किए हैं और 51 प्रधानमंत्री आवास बन के तैयार हुआ है उनको आज चाबी सौंपे हैं। वैसे 51 परिवार को भी मैं बधाई देता हूँ और यहाँ का जिला प्रशासन कलेक्टर के नेतृत्व में बड़ा अच्छा एक कार्यक्रम चला रहे हैं। हम होंगे कामयाब। यहाँ के जो हमारे शिक्षित बेटा बेटी हैं उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आज 51 हमारी बेटियों को जिनका नौकरी बेंगलोर में लगा है उनको नियुक्ति पत्र भी दिए हैं। तो ऐसे बहुत अच्छा बलौदा बाजार में काम हो रहा है। मैं फिर से एक बार पूरे जिले वासियों को बधाई धन्यवाद देता हूँ। 14 नंबर से धान खरीद हो रही है और समिति लोग हड़ताल में थे वो सब ठीक कर लेंगे। 14 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ कर रहे हैं। बड़ी अच्छी तैयारी सरकार की तरफ से और कोई हड़ताल में है तो सब ठीक हो जाएगा। 14 तारीख से खरीदी संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।